उत्तर प्रदेश सही भारत में बिल्डरों द्वारा अपना बिल्डिंग बेचते हुए काफी तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। बिल्डरों द्वारा कई तरह की सुविधाएं और कई तरह के आधुनिक चीजें देने का वादा किया जाता है, लेकिन जब कोई भी खरीदार उस चीज को खरीद लेता है तो कई बार वो वादे लुभावने ही होते हैं और वो झूठे निकलते हैं। ऐसा ही कुछ मामला लखनऊ के MI रसेल कोर्ट अपार्टमेंट में हुआ है। हमारे साथ रसेल कोर्ट अपार्टमेंट के निवासी आनंद कृष्णा जी हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि MI रसेल कोर्ट अपार्टमेंट में किन खामियों को लेकर ये लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे MI रसेल कोर्ट अपार्टमेंट में किस तरह की कमियाँ अब आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। देखिए, हमारे अपार्टमेंट में एक सबसे बड़ी समस्या जो है बेसमेंट में सीपेज की है, जिसको प्रॉपर बनाया नहीं गया है। उसका जब बाद में शिकायत करी गई तो बिल्डर की तरफ से टेम्परेरी ट्रे लगा करके अरेंजमेंट करा गया, जो कि परमानेंट इलाज उसका नहीं है। उसकी वजह से जैसा आपको मैंने दिखाया भी ले जा करके, तो जिस तरीके से बीम्स में उसी पे जा रही है और उसमें सरिया में जंग लग रहा है, और ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, ये पूरा 15 टावर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारा, तो एक भी टावर में अगर कहीं बीम गड़बड़ होती है या कोई दुर्घटना होती है तो उसका इम्पैक्ट सारे टावर्स पे पड़ेगा, तो सभी की जान उस हिसाब से खतरे में है। कई बार ही LDA को और बिल्डर को भी हम लोगों ने स्ट्रक्चरल ऑडिट, जो कि कंपलसरी होता है, वो कराने के लिए बोला गया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैंने आपको उसकी कॉपी भी आदेश के दिखाई। इसी तरीके से और चीज़ों में, जैसे हमारा जो क्लब हाउस है, एक सोसाइटी में क्लब हाउस होते हैं, तो हम लोगों ने क्लब हाउस देख करके, एक सुविधा देख करके अपना फ्लैट खरीदा, और बाद में मालूम चला कि क्लब बिल्डर ने अपने पोजीशन में रखा है, वो RWA को हैंडओवर नहीं किया है, तो हम लोग वहाँ की सुविधाएं यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की बड़ी समस्याएं हैं जो हम लोग आए दिन फेस कर रहे हैं। वाटर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है, जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए। तो क्या होता है कि जब पानी बरसता है तो एक तो सेंट्रल लॉन पूरा पानी भर जाता है, दो दो फीट पानी बढ़ता है, और फिर वही चीज़ सीपेज होकर नीचे बेसमेंट में धारोधार झरने की तरह बहता है, जिससे कभी भी किसी दिन सबके जान माल को खतरा हो सकता है। और हम सभी निवासियों ने ये सोचा है, ये निर्णय लिया है कि अगर जल्द से जल्द इस पर बिल्डर या शासन के द्वारा कोई कदम नहीं लिया जाता है तो हम लोग उसको विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जो भी संभव होगा वो हम इसके लिए करेंगे। मैं अजीत तिवारी, यहाँ पर B4 टावर में 1102 का निवासी हूँ। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि बिल्डर ने यहाँ पर पोजीशन देना शुरू किया था 2018 से और अभी तक जारी है, और इसमें सबसे बड़ी जो समस्या इस समय है वो है हमारे स्ट्रक्चर की। बेसमेंट में अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमारा बीम फूल रहा है, रस्टिंग के चलते कई जगह से जो सरिया हैं वो फट करके प्लास्टर बाहर दिखाई दे रही हैं, उनमें जंग लग रहा है, जो बीम हैं वो फूली हुई हैं, इससे हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है कभी भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इस पर जो है बिल्डर को हम लोगों ने पत्र भी लिखा, बिल्डर ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बारे में हम लोगों ने सूचना स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए LDA को भी पत्र दिया, उधर से भी कुछ नहीं हुआ। हमारे तरफ से प्रत्यावेदन यहाँ के जो कमिश्नर हैं उनको भी दिया गया, लेकिन कहीं से भी कोई निवारण या किसी तरह का आश्वासन मिले जिससे कि हम लोगों को लगे कि हम लोगों का जीवन और लगाया गया पैसा सुरक्षित है, ऐसा संभव नहीं दिखाई दे रहा। साथ ही साथ इसमें एक नहीं अनेक समस्याएं हैं। जैसे आप वहां चलेंगे, बेसमेंट हमेशा एक तरह से पानी का और वो बदबू से भरा रहता है, क्योंकि उसमें जो एग्जॉस्ट फैन लगाना होता है जिसके थ्रू वहाँ का हवा को जो है वहाँ निकाला जाता है। बिल्डर ने स्ट्रक्चर तो दिखाने के लिए लगा दिया, लेकिन ना एग्जॉस्ट फैन लगाया ना वो चलते हैं, तो उससे डैम्पनेस कंटिन्यूस बनी रहती है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो दूसरी मुख्य समस्या है वो यह है कि अभी बरसात चालू होगा तो हमारे पूरे के पूरे बीच में सेंट्रल पार्क नाम से एक जगह है, वहाँ पर पानी भर जाता है, हमारे स्टिल्ट तक पानी आ जाता है, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अच्छी व्यवस्था नहीं की गई है, निकासी का प्रॉपर व्यवस्था नहीं किया गया है, तो हम लोगों को पंप के द्वारा पानी को खींच करके रोड पर जो ड्रेन है सीवरेज का, उसमें हम लोगों को पाइप से डालना पड़ता है। उसमें कई घंटे या कभी कभी एक दिन पूरा जब हम पंप चलाते हैं तब वह पानी निकलता है, तब हमारे टाउनशिप का पानी बाहर होता है।
तो यह एक सबसे बड़ी समस्या है। इसके साथ ही साथ बिल्डर ने 767 फ्लैट है इस टाउनशिप में, बिल्डर ने सबसे 1-1 लाख रुपया लिया। आप जानते हैं किसी भी टाउनशिप में एक कम्युनिटी सेंटर होता है जहां पर वहां के रेजिडेंट्स जो है अपना छोटा मोटा आयोजन करते हैं, उसी के नाम पर बिल्डर ने यहां क्लब के नाम पर हर टावर से 1-1 लाख रुपया हर फ्लैट से लिया। इस तरह से आप मोटा मोटी जोड़िए 7,67,00,000 लिया और सबने उसी क्लब को देख करके यहाँ फ्लैट लिया कि हमारा अपना कम्युनिटी सेंटर बहुत खूबसूरत है। लेकिन बहुत ही गलत तरीके से उसने उसमें हेर फेर करते हुए क्लब को कहने लगा कि यह मेरा अपना है और उस पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है और हम लोगों को कहता है कि क्लब आपका नहीं है, क्लब मेरा व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है। जबकि मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर वो भी आता है। हमारी जो ज़मीन की पैमाइश है उस पैमाइश में भी क्लब हमारे ज़मीन के अंदर है जो ये टाउनशिप बनी है, फिर वो कैसे हो सकता है? इसके बारे में हम लोगों ने एलडीए को भी पत्र लिखा लेकिन एलडीए ने भी उसको अनसुना कर दिया और अभी तक बिल्डर उस पर कब्जा जमाए हुए है। सबसे कठिन समस्या है कि उसके चलते हमारी सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है क्योंकि क्लब के जो दो डोर उन्होंने गेट बना रखे हैं वो डोर वो कभी बंद नहीं करते हैं और वो बिल्डर के तरफ से इंटेंशनल है। इसके लिए हम लोगों ने लिखित पत्र बिल्डर को भी दिया है, हम लोगों ने यह पत्र एलडीए को भी दिया है लेकिन गेट वो कभी बंद नहीं किया जाता। उधर से असामाजिक तत्व तो हमारे सोसाइटी में घुस आते हैं और आए दिन कुछ ना कुछ पता चलता है कि किसी के गेट पर पहुँच गए और वो गेट नॉक कर दिए। हमारी सुरक्षा हमेशा खतरे में है, छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ भी कभी भी हो सकता है, उसमें टाउनशिप में टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, किसी भी तरह की घटना हो सकती है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से असुरक्षित है इस बिल्डर द्वारा अतिक्रमण किए गए क्लब और उसके खुले हुए गेट के कारण से। इसमें और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बिजली की समस्या से आए दिन हम लोग जो है ट्रिपिंग, क्योंकि बिजली का पूरा लोड जो स्वीकृत भार है उसके लिए बिल्डर को इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, उसके 33 KVA का फीडर यहाँ एस्टेब्लिश करते हुए 5400 किलोवाट निर्धारित वाट है उसको वो नहीं कर रहा है। हम वो बिल्डर इसको कम कराने के लिए ECGRF और विद्युत लोकपाल में भी गया, दोनों जगह से बिल्डर हार गया। इसके बाद भी वह उस चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं है, एक तरह से बिल्कुल उसने हठ बांध लिया है कि निवासियों को हमने फ्लैट बेच दिया, अब उनको हर चीज़ से महरूम रखेंगे और हम लोगों को इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जबकि हम लोगों ने जीवन भर की कमाई इसमें लगा दी है। मैं अजरा अरशद C4 टावर में रहती हूँ। यहाँ हमारे जो क्लब हाउस है इधर के सामने दोनों गेट खुले रहते हैं जिससे बाहरी असामाजिक तत्व जो हैं अंदर घुस के चले आते हैं, जिससे बच्चों और महिलाओं को भी खतरा है और वो लोग सीधे कई बार फ्लैट तक पहुँचाते हैं। तो और यहाँ पे जो पूल है दिया हुआ है उसमें भी पूल पार्टी करते हैं, बाहरी सारे लोग आके वहाँ पे ड्रिंक वगैरह करते हैं जिससे यहाँ बहुत पोल्यूशन भी होता है और जो कि सभ्य नहीं लगता है। यहाँ पे हमारा नाम शिवानी आनंद है और हम B4 पे ही रहते हैं। तो हमने सबसे मेन बात, हम लोग तीन चीज़ें देख के आए थे, एक तो क्लब देख के आए थे कि क्लब बहुत सुंदर है, हम लोग को दिखाया लालच ही दिया गया था कि क्लब आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ हम लोग को डॉग पार्क का था कि डॉग पार्क हम लोग के पास पेट्स हैं, ये हुआ था कि डॉग पार्क आपको मिलेगा लेकिन अब डॉग पार्क का भी इन लोगों ने हटा के वो उस पर जमने में डाल दिया। और तीसरी बात, हम लोग ग्रीनरी देख के यहाँ आए थे, यहाँ जो सेंट्रल पार्क है इतना अच्छा लग रहा था लेकिन वो भी अब वो बिल्कुल बिना घास के बिना ग्रीनरी के हो गया ये। तो वो जिस तीन चीज़ों को देख के आए थे वो तीनों ही चीज़ें नहीं है यहाँ पे। नमस्कार, मैं आप सभी लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो वो हायर अथॉरिटी द्वारा STP 500 KLD का स्थित है वो बिल्डर ने केवल 250 KLD का लगाया है और ये बात NGT को भी हम लोग ने बताया है। NGT ने लिखित कार्य इस पे बिल्डर से कार्रवाई के लिए बोला है लेकिन आज तक इसमें कुछ नहीं हुआ, उसके चलते हम लोग के स्वास्थ्य पे बहुत बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। आप लोगों के माध्यम से यह सूचित करना चाहूँगा कि इस पे तुरंत एक्शन लिया जाए।